विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली और दलित साहित्य एक दूसरे से अछूते नहीं है। सम्यक प्रकाशन पर आप लोगों को लेकर आए हैं, जहां पर मूल निवासी बहुजन दलित साहित्य की भरमार है। आइए हम बात करते हैं सम्यक प्रकाशन के हमारे शांति स्वरूप बोध जी से। सर जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय। सर स्वागत है समता आवाज टीवी चैनल पर आपका। बहुत अच्छा। सर हमारा मूल निवासी दलित साहित्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उस पर कहीं ना कहीं सम्यक प्रकाशन की जो छाप है वो पूरे भारत वर्ष में ही नहीं विदेशों में भी दिखाई देती है। एक्चुअली बाबा साहब का जो कर्जा हम लोगों पर है वो तो उतर नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हम उनके विचारधारा के प्रति ईमानदारी से लगे रहें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते रहें और लोग इस बात को सीखें कि एक एक दिन करके भी इतिहास बनता है। मैं यहाँ आया था 2002 में तो लोग हमको हंस रहे थे, तो लोग कह रहे थे आप यहाँ क्या करने आए हैं, हमने कहा यहाँ पिटने आए हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि पूरे मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर जुटी है तो अम्बेडकरी साहित्य की ललक लेकर जो जनता यहाँ पर सम्यक प्रकाशन के दरवाजे पर आई है उससे हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। आने वाले दिनों में हम और भी उपयोगी साहित्य, समाज उपयोगी साहित्य वो लेकर के आएंगे। इस भीड़ से हम इतना ही एक संदेश लेते हैं। तो वो सब दलित साहित्य जिसको हम मूल निवासी साहित्य भी कहते हैं, बहुजन साहित्य भी कहते हैं, इस बार दर्शकों की डिमांड किस सब्जेक्ट के ऊपर थी? बाबा साहब को लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, खोजपूर्ण चीज़ें। जैसे अब हमने एक किताब लिखी है महाराजा जयचंद गद्दार नहीं परम देशभक्त बौद्ध राजा थे। अब ये किताब आप देख रहे हैं हॉट केक की तरह बिक रही है। वो बिक्री की वजह से नहीं, मगर हमने जो एक शोध किया है अपने महापुरुषों को बदनामी के गर्त से निकाल कर जो हम बाहर लाए हैं, और वो जो किताब लिखी है खाली गपोड़ शंख नहीं है, 25 प्रसिद्ध राइटरों की किताबों का आधार बना के उस ग्रंथ की रचना की गई है। बहुत प्रामाणिक रचना है। वो षड्यंत्रों के तहत उनको बदनाम किया गया क्योंकि वो बौद्ध थे। बौद्ध होना ही इस देश के शासक जातियों के लिए बहुत बड़ा अपराध है, उसका उनको दंड भुगतना पड़ा। वो कोई और संगीता की जो कहानी उनके जीवन में है वो बिल्कुल झूठी कहानी है। ऐसी कोई कहानी उनके जीवन में है ना पृथ्वीराज चौहान के जीवन में। दोनों बौद्ध थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे, उनको लड़ाने का काम किया गया और वो लड़ाने वाले जो तत्व थे वो सफल रहे और हमारे महापुरुष को बदनाम करने का पूरा भरसक कुत्सित प्रयास किया गया। अब वो दिन टल गए हैं। अब महाराजा जयचंद अपने वास्तविक सम्मान को प्राप्त करने की स्थिति में आ गए हैं और अब हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इतने दिनों की जलालत झेलने के बाद एक महापुरुष अपने वास्तविक गौरव को अगर प्राप्त किया है तो उसको भारत सरकार अपने एक भरपाई के तौर पर, एक कंपनसेशन के तौर पर या प्रायश्चित के तौर पर उनको भारत रत्न का सम्मान दे। ये उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। विश्व पुस्तक मेला और दिल्ली के अंदर एक अनूठी दुकान जिसको बौद्ध साहित्य के लिए पिछले कई सालों से भरकस प्रयास के बाद शांति जी ने आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि विश्व से जो भी कोई दिल्ली में आता है इस स्टॉल पर आए बिना नहीं रहता है। वो साहब आपकी भविष्य की रणनीति, क्योंकि मैंने अभी देखा कि हजारों दुकान उसके अंदर एकमात्र सम्यक प्रकाशन जो बहुजन साहित्य के लिए जानी जाती है उसके लिए आपकी भविष्य की रणनीति। भविष्य की रणनीति हमारे पाठक तय करते हैं। भविष्य में हम क्या छापने जा रहे हैं वो पाठक हमसे आकर बताते हैं, सर ये छापिए, सर ये छापिए, तो उसको हम परखते हैं, देखते हैं कि वास्तव में ये बहुजन उपयोगी है, राष्ट्र उपयोगी है। तो जब उन विषयों को चुनकर फिर हम अपना शोध कार्य आरंभ करते हैं। मगर आगे आने वाले समय में जो बौद्ध साहित्य का ब्राह्मणीकरण हुआ है उसको डिब्राह्मणाइज करने का काम हम कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सारे बौद्ध साहित्य में से और संत साहित्य में से जो ब्राह्मणी पैठ हुई थी एक शरारत पूर्ण तरीके से, उसको बाहर करने का काम सम्यक प्रकाशन बड़ी संजीदगी से दिन रात लगकर वो कर रहा है। और आने वाले समय में जब वो रस साहित्य आएगा तो इस समाज का नक्शा कुछ दो और ही होगा। आपने ये जो टीवी चैनल लॉन्च किया है वास्तव में ये समाज की चिर प्रतीक्षित आवश्यकता जो बहुत पहले पूरी होनी चाहिए थी और बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए थी, बहुत जगह होनी चाहिए थी। आज अपने आंदोलन को अगर जिंदा रखना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उस कमी को आपने पूरा किया है, इसलिए आप हम सब की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ये टीवी चैनल राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से वंचित बहुजन समाज को जगाने के लिए,
आपके जो प्रयास हैं वो अवश्य सफल सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और ये आपका टीवी चैनल दिन दोगने रात चौगने तरक्की करे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरी आपके प्रति पूरी सदिच्छाएँ, पूरी शुभकामनाएं।